ये आपको खबर देखें, इमरान खान ने नईमुल हक से पार्टी तर्जुमान का ओहदा वापस ले लिया है। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए हैं। नईमुल हक के पास मरकजी सेक्रेटरी इतलात का ओहदा बरकरार रहेगा। जराए कंफर्म करें इतलात को कि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के नए तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए हैं। इससे कबल नईमुल हक के पास यह ओहदा था, लेकिन मरकजी सेक्रेटरी इतलात का ओहदा ताहाल उनके पास बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए कन्फर्म करें इतलात को कि इमरान खान ने जो पार्टी चेयरमैन है उन्होंने नईमुल हक से पार्टी तर्जुमान का जो ओहदा है उसे वापस ले लिया, जबकि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान मुकर्रर किए गए हैं। नईमुल हक के पास मरकजी सेक्टर इतलात का ओहदा रहेगा। क्या वजूहत है नईमुल हक को इस ओहदे से बरतरफ करने की, तहाल ये मालूम नहीं हो सका, लेकिन हमने हमेशा देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकफ को नईमुल हक मीडिया के सामने बयान करते थे। लियाकत हमारे साथ मौजूद है, लियाकत अंसारी उनसे बात करते हैं। लियाकत अंसारी, कुछ मालूम हो सका? जी, तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा नईमुल हक है उनको इमरान खान के जो तर्जुमान का होता था वो उनसे वापस ले लिया गया है और उनकी जगह पर फवाद चौधरी जो है उनको तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। तो हम जो सेक्टरी इतलात का होता है वो नईमुल हक के पास बदस्तूर बरकरार रहेगा और उसको अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। अब पार्टी के अंदर जो है वो काफी खींचातानी जारी है, बहुत से दीनी मामलात पर जो है बहुत से लीडर एक दूसरे के आमने सामने हैं। वो इसी तरह नईमुल हक को भी दो ओहदे रखने के बायस काफी खिंचाव का सामना था और बिलाखिर जो है वो आज ये डिसीजन हुआ है कि उनसे तर्जमान का ओहदा वापस ले लिया गया इमरान खान के। अब इमरान खान की तर्जमानी के फ्लाइट जो है वो फवाद चौधरी सर अंजाम देंगे, जबकि नईमुल हक पार्टी की वकालत और उसी तरह करते रहेंगे इतलात की हैसियत से। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी।